हेलो दोस्तों, आज से आपके क्लास नाइन्थ की गणित की हिंदी मीडियम की क्लासेस जो कि एनसीईआरटी की बुक से यूपी बोर्ड में संचालित हो रही हैं उसकी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और लेसन फर्स्ट से लेकर लास्ट लेसन तक कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। और इसमें किसी भी लेसन को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन वाइज एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन जो अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे उसको आप देख पाएंगे। और किसी भी अध्याय को हल करने के लिए इस प्रकार से रूपरेखा बनी रहेगी, जैसे भाग एक जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें उस अध्याय का परिचय रहेगा, भाग दो में एक्सरसाइज जैसे लेसन फर्स्ट अगर हम देखें जो हमारे क्लास नाइन्थ का लेसन फर्स्ट है, क्लास नौवीं की गणित का जो अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को हम सात भागों में आपको उपलब्ध कराएंगे। उन सात भागों में भाग एक में परिचय और भाग दो में एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन, भाग तीन में एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन, भाग चार में एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन और फिर भाग पाँच में 1.4 का सोल्यूशन, भाग छः में 1.5 का सोल्यूशन, भाग सात में 1.6 का सोल्यूशन। मतलब इन सात भागों में हम छो एक्सरसाइज को 1 by 1 सॉल्व करते चलेंगे। किसी भी एक्सरसाइज के पहले जो उसका इंट्रोडक्शन होता है उस इंट्रोडक्शन को विधिवत आपको बताया जाएगा ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिले। स्टूडेंट्स के काफ़ी रिक्वायरमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं तो इसके लिए आप देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बच्चों पहले हम जानते हैं, पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। पिछली क्लासेज में हमने जो पढ़ा है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा यहाँ पर बीचों बीच जीरो लिखा जाता है, दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर्स और बाईं तरफ निगेटिव नंबर्स, यहाँ पर करेंगे अप टू इनफाइनाइट लिखी जाती हैं, -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाएंगे अप टू -∞। तो ये है हमारी संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा पर जितनी संख्याओं को डिनोट किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, उन्हीं सभी संख्याओं को हम अपने लेसन संख्या पद्धति में उनसे संबंधित कैलकुलेशंस का अध्ययन करेंगे। अब पहले हम संख्या रेखा के माध्यम से एक संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे, बाद में सभी को डिफाइन करेंगे हम। जैसे यदि हम यहाँ पर जीरो को छोड़ दें और वन से स्टार्ट करें, जब हम वन से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू प्लस इनफाइनाइट, जब यहाँ तक हम जाएंगे तो जितनी संख्याएँ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे वे सभी संख्याएँ क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएँ। मतलब वन से इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएँ क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएँ कहलाएंगी। उसके बाद यदि हम यहीं लौट आएँ और थोड़ा सा नीचे आकर हम जीरो को भी इसमें शामिल कर लें, मतलब वन से इनफाइनाइट तक की संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ हो गई, यदि हम जीरो को भी उसमें शामिल कर लें तो यह क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएँ। ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएँ। मतलब जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, वन से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएँ, लेकिन जैसे ही जीरो शामिल कर लेंगे जीरो से इनफाइनाइट तक तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएँ, होल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद यदि हम प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक की समस्त संख्याओं को शामिल कर लें, यहाँ मतलब पॉजिटिव और ये फिर ये नेगेटिव, इन सब को शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक। ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक। अब इसी संख्या रेखा पर संख्या पद्धति में शामिल सभी संख्याओं को हम अभी देख लेंगे। वन से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक प्राकृतिक, जीरो को शामिल कर लिए तो पूर्ण, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सब हो गए तो कौन हो गए, ये हो गए हैं पूर्णांक। अच्छा, यहाँ पर जीरो से वन के बीच में 1/2 मतलब +1/2, +1/3 इस तरह की संख्याएं हैं, फिर यहाँ पर यदि आ जाएं तो 3/2, 3/4 मतलब इस तरह की संख्याएं यहाँ बीच में हैं, मतलब 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो वेरी करती हैं, तो इधर वाली ये जो बीच में संख्याएँ होंगी इनको हम कहेंगे परिमेय संख्याएँ। क्या कहेंगे,
परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ये सब ये हो गई परिमेय संख्याएं। इधर यदि आ जाएं तो हो जाएंगे -1/2, -1/4, तो ये भी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। मतलब चाहे पॉजिटिव हों चाहे निगेटिव हों, वे सब के सब क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। अब उसके बाद क्या यहाँ पर कहीं पर अंडर रूट टू नहीं लिखा होगा? लिखा होगा, अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब नंबर सिस्टम में भी हम इसको भी देखेंगे, अपरिमेय संख्या। अब अंडर रूट टू हो गई अपरिमेय संख्या। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट टू हो गई है अपरिमेय संख्या, क्या यहाँ पर कोई माइनस अंडर रूट टू नहीं आएगा? आएगा, माइनस अंडर रूट टू कभी नहीं आएगा, इतना आप ध्यान लीजिए। माइनस बाहर हो तो चलेगा, माइनस अंडर रूट टू आएगा, प्लस अंडर रूट टू आएगा, लेकिन यदि कहिए कि अंडर रूट माइनस टू तो यह कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अंडर रूट टू और माइनस अंडर रूट टू, अब ये दोनों हैं अपरिमेय संख्याएँ, और इन सबको यदि हम आपस में मिला लें, सब संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की गई हैं, कौन कौन, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, भिन्न कुछ भी, तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की गई हैं, वे सब मिलकर क्या कहलाएंगी, कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स। अब 1 से प्लस इनफाइनाइट प्राकृतिक, 0 से प्लस इनफाइनाइट पूर्ण, माइनस और प्लस सबको शामिल कर लिए तो पूर्णांक, 1/2, 1/3 जो बटे के रूप में लिखा है वो सब परिमेय, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय, और सबको आपस में शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अच्छा, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/1 सबको देखेंगे, और सबका क्या नोटेशन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे और इनकी डिफिनेशंस को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। अब ये जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं हमारी, प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं। जब किसी भी वस्तु की कोई भी मतलब रुपया पैसा जो भी कुछ हमको गिनना होता है, जब गणना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। 1 से इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर कैपिटल एन है उसी को यहाँ पर लिया गया है प्राकृतिक संख्याएं, ये तो हो गया। फिर दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अच्छा, यदि मतलब 1 के थोड़ा सा पहले आ जाएं, 0 को शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट संख्याओं को क्या कहेंगे, होल नंबर्स। अब होल का जो कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ पर नोटेशन के रूप में लिया गया और हो गया पूर्ण संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बात आ गई है पूर्णांक की, पूर्णांक की इंग्लिश होती है इंटीजर्स, पूर्णांक की इंग्लिश होती है इंटीजर्स। और पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर्स यहाँ हैं, पूर्णांक हैं जिनके बाय 1 लिखा गया है, जैसे +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये सब क्या हैं, पूर्णांक हैं, और 0 क्या है, होल नंबर है। तो ये दोनों जब शामिल हो गए तो ये हो गए हैं पूर्णांक। आप कहेंगे आपने यहाँ पर जेड लिखा है, तो जेड से डिनोट किया जाता है पूर्णांक संख्याओं को, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जेड से डिनोट करेंगे पूर्णांक को, क्योंकि जेड एक जर्मन भाषा का शब्द है, जेहलिन उसका पहला लेटर लिया गया है, जेड, जेहलिन का पहला शब्द है, पहला वो लेटर है जेड, जिसका अर्थ होता है गिनना, वहाँ से हमने पूर्णांक को लिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम परिमेय संख्याओं पर, किस पर आ जाते हैं, परिमेय संख्याओं पर। जब हम बात करेंगे परिमेय संख्या पर, तो परिमेय संख्याओं की इंग्लिश होती है रैशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर्स। अब रैशनल शब्द बना है रेशियो से, जिसका अर्थ होता है औसत। औसत का मतलब होता है भाग बटे, जैसे 2/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रेशियो से बना औसत या अनुपात, अभी फिर क्या हो गया 2/3। इस तरह का जो है जितनी भी नंबर्स होंगी वो सब कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। अच्छा, ये सब है रैशनल नंबर्स, तो इन्हें कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट किया गया है? क्योंकि रेशियो हमेशा पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कोसेंट है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ऋणात्मक परिमेय नंबर भी आएंगी, परिमेय संख्याएँ आएंगी, और पॉजिटिव परिमेय संख्याएँ भी आएंगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा है, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। मतलब कि वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। तीसरी कंडीशन, पी क्यू दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। ये हो गया, दोनों पूर्णांक हों, ये ऐसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी क्यू दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। अच्छा, तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे लिखा है 1/2, जैसे हमें प्रमाणित करना होगा कि प्रूफ दीजिए कि क्या 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे यह पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है 1/2, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 2 ≠ 0, और पी क्यू दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। अच्छा, तो यदि हम कहें कि 1/0, इसका मतलब है ये पहला रूल तो सही है लेकिन दूसरा रूल हमारा गलत हो गया। जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, ठीक है लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया है, जबकि होना चाहिए था क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो हम लिख लिए हैं, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिभाषित चीज़ है। तो जीरो हो जाने पर क्या करेंगे, जैसे 1/0 यहाँ पर लिखा गया, तो जीरो से आप 1 में डिवाइड कीजिए। कितनी भी बार आप ले जाएंगे, आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे जीरो ही आएगा, रिमाइंडर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि जीरो से किसी भी संख्या में कभी भी भाग दिया ही नहीं जा सकता है, भाग खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इस संख्या जो इनफाइनाइट लिखा है, अनंत बार हम करते जाएंगे, और यही कहलाता है अपरिभाषित। क्या कहलाता है, अपरिभाषित। अब क्लियर हो गया होगा कि 1/0 क्यों नहीं लिखा जा सकता है। त्रिकोणमिति जब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये देखेंगे कि 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। अब पी क्यू दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। तीसरा मैटर है, यहाँ पर बहुत बार ऐसी बात आ जाती है, लोग पूछ लेते हैं कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक होल नंबर है। जीरो क्या है, एक होल नंबर है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या भी है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, 0/1। जीरो का मतलब क्या होता है, 0/1। अब आप कहेंगे कैसे आप कह दिए 0/1, तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी नंबर जब लिखी जाती है उसमें कुछ चीज़ें अंडर स्टूड होती हैं। जैसे यह नंबर लिखी गई है कैपिटल एन, चलो मान लेते हैं स्मॉल एन एक नंबर है, यह लिखी गई है। अब इसके बटे एक होता है, इसके गुणे एक होता है, इसकी घात एक होती है, और इसका चिन्ह धनात्मक होता है। इतनी बातें हमेशा छिपी रहती हैं उसमें। जैसे 2 लिखा गया है, इसका मतलब है 2 का चिन्ह धनात्मक है, 2 की घात 1 है, और 2 के बटे 1 है, और 2 के गुणे 1 है। इतनी बातें हमेशा आपस में छिपी रहती हैं, इसीलिए ये जो जीरो है, हम जीरो को कहेंगे 0/1। अब परिभाषा पर चलते हैं, पी बाई क्यू का मतलब है कि 0/1। अब 0/1 पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, 1 जीरो नहीं है, मतलब कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। पी क्यू दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, मतलब 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। सम संख्याएं पर चलते हैं, सम संख्याएं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। सम संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित
हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो सभी संख्याएं क्या होंगी? दो से विभाजित हो गई, वो क्या होंगी? सम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं, अब आप देखेंगे दो से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन है। जैसे यहाँ पर देखें, यदि हम कौन, दो, चार, छः, आठ, दस, अब टू इनफाइनाइट। अब विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, ऐसे डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। दो से विभाजित नहीं, मतलब दो से अविभाज्य, ये हैं। अब यदि हम चले जाएं प्राकृतिक संख्याओं पर, नेचुरल नंबर पर जाएं, तो वन से लिखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे चले जाएं। अब दो से विभाजित होने वाली, दो, चार, छः, आठ, दस, ये हो गई सम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को हटा दो, क्या बचा? एक, तीन, पाँच, सात, नौ, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये सब क्या हैं? विषम संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में से सम को घटा लेंगे तो विषम बचेंगे, विषम को घटा लेंगे तो सम बचेंगे। अब यहाँ पर ये जो नौ है, बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, नौ तो विभाज्य है, नौ तीन से विभाज्य है भैया, नौ दो से नहीं विभाज्य है, नौ तीन से विभाज्य है। यहाँ पर कंडीशन है सम संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो दो से कट जाएंगी, दो से कटेंगी तभी सम संख्याएं हैं, किसी अन्य से कटेंगी तो सम संख्या नहीं होंगी, बल्कि वे क्या होंगी? वे होंगी भाज्य संख्याएं। क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं पर चलते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन हैं? वे सभी संख्याएं। आप कभी कभार क्या करिएगा, यदि आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को रुक रुक कर थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ा कर नोट कर लीजिएगा, अब हम हर एक चीज़ लिखेंगे तो टाइम लगेगा। भाज्य संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक को छोड़कर, पहले तो एक को छोड़ दीजिए और स्वयं को छोड़ दीजिए, वे सभी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम यहाँ पर लिख लें तीन, तीन क्या है? या तो स्वयं से कटेगी अथवा तीन से ही मतलब एक से कटेगी, तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि हम चार की बात करें तो यह स्वयं को छोड़ दे चार, मतलब दो से भी कट जाता है। छः पर चले जाएं तो छः क्या है? दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, ये क्या है? भाज्य संख्या है। नौ पर चले जाएं तो यह दो से तो नहीं कट रहा लेकिन तीन से कट जा रहा है। दस पर चले जाएं तो दो से भी कटेगा, पाँच से भी कटेगा। मतलब अब देखिए, ये जो चार है सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, ये जो छः है सम संख्या भी है भाज्य संख्या भी है, ये जो नौ है विषम संख्या है और भाज्य संख्या है। अब क्लियर हो गया होगा, ये नौ जो है विषम संख्या है और भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं पर, आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं पर, और यहाँ पर आठ भी है बीच में, अभाज्य। अब जो अभाज्य संख्याएं हैं वे कौन सी संख्याएं होंगी? परिभाषा को थोड़ा सा उलट दीजिए, वे सभी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। यदि स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो जाती हैं तो भाज्य, और स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं तो अभाज्य। अब जैसे चले आते हैं, हम पढ़ते हैं दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, फिर तेईस, ऐसे अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ लिखेंगे हम जैसे, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कंपटीशन में भी आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दो है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक को हम यहाँ पर बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया कि एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अविभाजित जो होगा वही होगा अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये है दो हमारा। तो भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब हम पढ़ चुके। अब आगे बढ़ें तो हम देखेंगे एक छोटी सी और चीज़ आ जाती है, वह होती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं पेयर में होती हैं। सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि ऐसा युग्म जिनके बीच का जो कॉमन हो, मतलब जो गुणनखंड हो या बीच में कोई जो कॉमन संख्या आती हो, वे संख्याएं मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे हम यहाँ लिख दें 3, 5, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 2, 4। अब देखिए, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब नाम है सह अभाज्य संख्याएं, ये है। अब यहाँ पर हम दो और चार को देखें तो दो को तो लिखेंगे 2×1, और चार को देखेंगे तो 2×2। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में लिखा है, तो यह क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाएं 3 और 5 के लिए, तो 3 को 3×1, 5 को 5×1, एक के अतिरिक्त क्या कोई और है जो दोनों में उपस्थित है? नहीं, यह सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया संख्या पद्धति का परिचय। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस का परफेक्ट वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।